आज है क्रॉसबीट एयरपॉड और आज होगा इसका अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको इसके सारे ऑन पेपर फीचर्स बताना चाहूंगा। तो इसमें आपको 5.1 ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है एएसी सपोर्ट के साथ, सो ये चीज बेस्ट लगा। और बेटर कॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा और 30 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 300 mAh बैटरी के हेल्प से। सो दोस्तों, मैंने इसका यूज किया था तो मुझे सिंगल चार्ज में ये 4 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड किया और इसके केस के हेल्प से मैं इसे अप्रोक्स 2.5 टाइम चार्ज कर पा रहा हूँ। सो अभी आप कैलकुलेट कर ही लो, 4 × 4 = 12 + 2 = 14 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड करेगा 80% वॉल्यूम में। और इसका चार्जिंग टाइम है ओनली 90 मिनट 10 वॉट चार्जर से। IPX5 का वाटर रेटिंग आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जिसपे हम लोग वाटर टेस्ट करेंगे और 10 mm का डाइवर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा फॉर लाउडनेस। और इसका प्राइस है अप्रोक्स 1800 रुपीज और प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है इसका। और इसमें आपको क्विक पेयरिंग का फीचर देखने को नहीं मिल रहा है, सो ये चीज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे कि ढक्कन खुलते ही आपके फोन के साथ पेयरअप नहीं होगा, आपको बर्ड्स निकालना पड़ेगा तभी आपके फोन के साथ ये पेयरअप होगा। सो ये है क्रॉसबीट एयरपॉप का बॉक्स। इसके ऊपर आपको एयरपॉप का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और बॉक्स के चारों तरफ इन्होंने ब्रांडिंग को ही हाईलाइट कर रखा है। और अगर आप पीछे के साइड देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स को इन्होंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। और आप इसका प्रिंटेड प्राइस देख सकते हो 4999 रुपीज, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा सिर्फ 1800 रुपीज का। 200-300 रुपए अप डाउन होता रहता है और कुछ दिनों से काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है इसका प्राइस। सो चलिए अभी इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या कंटेंट देखने को मिला। सो हेलो नमस्ते बोल रहा है आपको। अगर पीछे के साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बारकोड देखने को मिल रहा है, बारकोड स्कैन करके आपको इसके वारंटी को रजिस्टर करना है। और ये है इसका यूजर मैनुअल जिसमें कुछ खास इन्फो नहीं है, पता नहीं क्यों प्रोवाइड करते हैं ये लोग, इसे साइड रखते हैं। और ये है टाइप सी चार्जिंग केबल, एवरेज क्वालिटी का, बहुत बढ़िया नहीं है। सो ये है अपना केस। सो एक क्लोज लुक केस की तरफ टेबल साफ कर लेते हैं। सो अभी आप देख सकते हो केस का लुक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, कमाल दिखता है देखने में। आप देख सकते हो नेवी ब्लू कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो कि काफी अच्छा लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा, बहुत ही ज्यादा डिसेंट सा लुक है, एक क्लासिक लुक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ढक्कन के पास जो इन्होंने शाइनिंग ब्लू कलर से इन्होंने स्ट्रिप सा लगाया है ये भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। पीछे के साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स को प्रिंट कर रखा है। और ढक्कन को खोलते यहाँ पर आपको मैग्नेटिक कैप देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। और अगर आप बर्ड्स की तरफ नजर डालोगे तो बर्ड्स का लुक भी काफी अच्छा है, डिसेंट सा है इसका बर्ड्स काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और ये भी मैट नेवी ब्लू कलर का फिनिश आपको प्रोवाइड कर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। लुक्स काफी प्रीमियम है इसका भी। और अगर आप ऊपर के साइड देखोगे तो यहाँ पर इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक है, नीचे के साइड देखोगे तो मेन माइक आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि कॉलिंग के टाइम यूज होगा। सो अभी मैं आपको इसका फंक्शन बताना चाहूंगा। तो अगर आप बर्ड्स के ऊपर डबल टैप करोगे तो आप सॉन्ग को प्ले या पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक या कॉल एंड कर सकते हो। तो अगर आप सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको राइट बर्ड्स पे ट्रिपल टैप करना है, प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको लेफ्ट बर्ड्स पे ट्रिपल टैप करना पड़ेगा। कॉल रिजेक्ट करने के लिए और वॉइस असिस्ट को ऑन करने के लिए आपको दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे 2 सेकंड टच एंड होल्ड करना पड़ेगा। और अभी आप केस का वेट देख सकते हो, ओनली 36 ग्राम और इसके बर्ड्स का वेट है ओनली 3 ग्राम ईच जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और अगर इसके कंफर्ट के बारे में बात करें तो इसका कंफर्ट बहुत सही है क्योंकि इसका बर्ड्स काफी ज्यादा लाइट वेट है। और इसका कंफर्ट इसीलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि नॉर्मल प्लास्टिक के जो बर्ड्स होते हैं ये कानों में पहनने से बहुत ज्यादा टाइट सा फील होता है, इसमें ऐसा नहीं है, ये हल्का सा फील होता है कानों में ऐसा बस रखा रहता है। और ऊपर के साइड बर्ड्स के ऊपर के साइड कोई ब्लॉकेज नहीं होता, खाली खाली सा रहता है, इसलिए आप पूरा दिन भी इसका इस्तेमाल करोगे ना तब भी आपके कानों में पेन महसूस नहीं होगा क्योंकि कानों में सिर्फ रखा रहता है, टाइट तरीके से कानों में फिट नहीं रहता है। लेकिन आप जिम वर्कआउट इसमें करोगे ना तो कानों से नहीं गिरेगा, लेकिन अगर आप स्प्रिंट रनिंग रेस करोगे 100 मीटर तो आपके कानों से गिर सकता है ये, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये टाइटली फिट नहीं बैठता है। और वन हैंड यूजेबल है ये प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। सो ये चीज बेस्ट लगा, जैसे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्लिपरी सरफेस है इसके बर्ड्स का, फिर भी आप एक हाथ से बर्ड्स को निकाल सकते हो और इसके अंदर का जो बर्ड्स है ये बचता नहीं है। सो ये चीज भी काफी अच्छा लगा मुझे इसमें। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर एंड लाउड है इसका, और ये SBC और AAC सपोर्ट करता है, दोनों में ही आपको क्लियर वोकल सुनने को मिलेगा। लेकिन मुझे SBC ज्यादा बेटर लगा क्योंकि SBC में बेस और छनकार काफी ज्यादा सॉफ्ट सुनने को मिल रहा है और वोकल्स भी 10% ज्यादा है SBC में। AAC अगर आप ऑन करोगे तो AAC में क्या रहता है, ट्रिबल छनकार और बेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये कानों को ब्लॉक नहीं कर पाता इसलिए इसका बेस सुनने में मजा नहीं आता है, फटाफटा सा बेस महसूस होता है।
और ट्रिबल छनकार भी मतलब थोड़ा सा ओवर पावर सा महसूस होता है एएसी में। तो इसीलिए इसका एएसी मुझे पसंद नहीं है, मुझे एसबीसी ही ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि बेस कम हो जाता है और इसका बेस अच्छा नहीं है और ट्रिबल भी थोड़ा सा कम हो जाता है और 10% वॉल्यूम भी इसका बढ़ जाता है अगर आप एसबीसी सपोर्ट करते हो। तो अगर आपके पास है तो ट्राई करके जरूर देखना, एसबीसी ज्यादा बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। सो 5.1 ब्लूटूथ है तो कनेक्टिविटी का कोई इशू आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। सो चलिए अभी एक लो लेटेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि लो लेटेंसी कुछ खास नहीं है, गेमिंग पर्सन के लिए नहीं बनाया गया है ये। साउंड का डिले हल्का सा आता है, लेकिन आप मूवी सीरीज और वीडियो सॉन्ग सुनोगे तो आपको साउंड का डिले महसूस नहीं होगा, सिर्फ गेमिंग के टाइम ही आपको साउंड का डिले महसूस होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि क्रॉस बीट है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा कॉलिंग परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, कैसा ये आवाज को पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। मेरे आगे अभी एक टेबल फैन था जो ऑफ था, मैंने इसे अभी ऑन किया। सो अभी आप सुन सकते हो कि टेबल फैन के नॉइस को ये रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं। सो अभी इस पे एक और नॉइस कैंसलेशन टेस्ट करेंगे थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का। सो ये है मेरे पास हेड ड्रायर, अभी आप देख सकते हो कि बाल उड़ रहा है और काफी ज्यादा नॉइसी है ये हेड ड्रायर। सो इस नॉइस में अगर आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तब तो ये बेस्ट है, आप इसे बेझिझक खरीद सकते हो, कमाल का साउंड परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा अगर इस नॉइस को ये रिड्यूस कर पा रहा है तो। So, चलिए अभी एक वाटर टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और मैं अभी आपको सॉन्ग चला के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो डिस्कनेक्ट हो चुका है मेरे फोन के साथ, लेकिन फिर भी इसके अंदर से बबल्स नहीं आया, इसलिए हम वाटर टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हो 1 मिनट हो चुका है, अभी देखते हैं सरवाइव कर लिया या डेड हो गया। पहले ऑन करते हैं इसे और आप देख सकते हो कि ऑन हो चुका है। अरे तेरी, वॉइस असिस्ट ऑन हो गया। पानी हटा देता हूँ ब्रो, पानी की वजह से वॉइस असिस्ट ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है इसका। तो अभी ये सॉन्ग चला के देखते हैं। आप देख सकते हो कि कनेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। सॉन्ग चला के देखते हैं ब्रो। वाटर टेस्ट किया तो ये सरवाइव कर लिया, इजीली सरवाइव कर लिया, कोई लोचा नहीं हुआ। सो आप इसे बिंदास जिम में वर्कआउट के टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन स्विमिंग पूल में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाल्टी में भी आपको इसे नहीं डालना है, क्योंकि स्विमिंग पूल बाल्टी में वाटर प्रेशर होता है तो वाटर प्रेशर नहीं झेल सकता। मैंने जो वाटर टेस्ट किया तो पानी के ऊपर ऊपर ही था, तो उसमें कोई वाटर प्रेशर नहीं था, इसलिए सर्वाइव कर लिया। सो बारिश में और जिम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डीप नहीं जाना है आपको। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर दो यार, भाई के चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर दो।